ने कर्म को छोड़ दिया है, आपको उपदेश देना चाहिए था, आप उपदेश नहीं दे रहे। दूसरी बात यह है कि देखिए राष्ट्रीय स्तर में इतने ज्योतिषी हैं पर ब्राह्मण कितने, एक दो गिने के नहीं मिलेंगे। ये काम किसका था? ये ब्राह्मण लोगों का काम था। तो हम लोग उस विधा से भी च्युत हो गए हैं, पतित हो गए हैं, हम मंच की विधा से भी हट गए। ऐसी भी अन्यान्य विधाएं हैं जिनसे हम हट गए हैं, क्योंकि वर्णाश्रम व्यवस्था में ये माना गया है कि ब्राह्मण सिर माना जाता है, सिर के रूप में उसकी कल्पना की गई है। यदि वर्णाश्रम व्यवस्था को आपको नष्ट करना है तो आप सिर को चल दीजिए। सांप को मारने की जरूरत नहीं होती है, पूरे शरीर में डंडा मारने की जरूरत नहीं है। यदि आप उसका सिर कुचल देंगे तो अपने आप नष्ट हो जाएगा। तो आप ये समझ लीजिए विधर्मी लोग इस वर्णाश्रम व्यवस्था को, उस हिंदू धर्म को नष्ट करने का जो प्रयास कर रहे हैं, उसमें मूल प्रयास है कि ब्राह्मण को हम नष्ट कर दे रहे हैं। तो आप समझ लीजिए सबके सम अपने आप नष्ट हो जाएंगे, क्योंकि ब्राह्मण से ही क्षत्रिय की रक्षा होती है, और ब्राह्मण से भी वैश्य की रक्षा होती है, और ब्राह्मण से ही शूद्र की रक्षा होती है। यदि ब्राह्मण नष्ट हो गया तो आप समझ लीजिए वर्णाश्रम व्यवस्था आपकी चौपट हो जाएगी। तो ब्राह्मण कैसे नष्ट होता है? अनभ्यास ही न वेदानां। आप वेद का अभ्यास बंद कर दीजिए, आप संध्या बंद कर दीजिए, आप गायत्री बंद कर दीजिए, आप उपासना बंद कर दीजिए, आप यज्ञ बंद कर दीजिए, अपने आप आपका नाश हो जाएगा। आप समझ लीजिए जितने भी जनेऊ हो रहे हैं आजकल, कोई किस समय पर कर रहा है। ब्राह्मण के लिए ब्रह्म वर्चस्व के लिए 5 साल में होना चाहिए, सीमा 8 साल की है। 8 साल के बाद समझ लीजिए प्रायश्चित लेट फीस जिसको बोलते हैं, वो भी 8 साल मिलती है। 16 साल, 16 साल भी नहीं कराते हैं तो ये व्रात हो जाते हैं, एक दोष लगता है शास्त्र का, व्रात। तो ऐसे ब्राह्मण को तो स्पर्श करने का दोष बताता है शास्त्र। और फिर आजकल ये शादी में जनेऊ होता है, बड़ी विसंगति, ऊपर से डाल लेते हैं और जरूरत पड़ी तो निकाल के हटा दिया। तो क्या है कि हमको अपनी शक्ति पहचाननी पड़ेगी। परमात्मा आपके सामने पीछे खड़ा हुआ है, और आप समझ लीजिए परमात्मा जहाँ से आप बोल रहे हैं, जहाँ से इच्छा उत्पन्न हो रही है, उस इच्छा के गर्भ में परमात्मा बैठा है आपके सहयोग के लिए। पर यह है कि आपको वेदों की ओर लौटना पड़ेगा, शास्त्रों की ओर लौटना पड़ेगा। जब तक आपको शास्त्र का ज्ञान नहीं होगा, जब तक आपको वेदों का ज्ञान नहीं होगा, तब तक आप समाज का नेतृत्व नहीं कर सकते। समाज के नेतृत्व के लिए शास्त्र अत्यंत आवश्यक है। आजकल लोग कहते हैं कि ब्राह्मणों ने ये वेद पुराण बना लिए। हमारे यहाँ तो इस बात को लेकर के शास्त्रार्थ होता है कि वेद पुरुष ने बनाए कि नहीं बनाए, वेद भगवान ने बनाए कि नहीं बनाए। तो हम ये लोग मानते हैं कि वेद अपौर से हैं, परमात्मा ने वेदों को नहीं बनाया है, परमात्मा वेदों की रक्षा के लिए आता है। क्योंकि आप समझ लीजिए यदि परमात्मा वेद बनाएगा तो उसका क्या हेतु है? क्योंकि नीति कहती है निरुद्देश्यम मंदोपि न प्रवर्तते, बगैर उद्देश्य की मंद की भी प्रवृत्ति नहीं होती। तो भगवान को ही लालच होगा, कुछ नहीं तो प्रतिष्ठा, अपनी प्रतिष्ठा चाहते होंगे, अपने आप को पुजाना चाहते होंगे, अपना सम्मान चाहते होंगे। इसलिए विप्रलप्सा कर्णपाठव आदि दोष उसमें हम लोग मानते हैं। तो वेद की रक्षा के लिए परमात्मा होता है। आप ये समझ लीजिए कि परमात्मा भी वेद के विरुद्ध आचरण कर दे तो हम उसको परमात्मा नहीं मानते। आप देखिए भगवान बुद्ध साक्षात भगवान के अवतार थे, पर उन्होंने घोषित कर दिया वेदा प्रमाण्यम, तो इस भारत भूमि में उनका कोई सम्मान नहीं करता, कोई सनातनी पूजा नहीं करता। केवल उन्होंने यही घोषित किया वेदा प्रमाण्यम, कर्मकांड मिथ्या है। और भगवान ने एक ऐसा स्वरूप धारण किया था जिसको हम मोहिनी स्वरूप बोलते हैं। उस स्वरूप की विशेषता थी कि वो आचरण अनुकूल नहीं था, वेदानुकूलित आचरण नहीं था, तो उसकी हम उपासना सम्मान नहीं करते। तो हम तो निश्चित रूप से शास्त्र को मानने वाले हैं। और आप समझ लीजिए।